मेडिकल साइंस भी मानती है इस बात को, और हम शुरू से कहते रहे हैं कि लिमिट अरसे में अगर शराब लिया जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बल्कि फायदेमंद होता है। बात हम बातों से हम अवगत हैं कि जुआ नहीं युवतियाँ भी हैं, पटना जंक्शन पर पकड़ाई हैं और उन्होंने कहा है कि 5 बोतल हम लाते हैं 5 × 10 100 रुपया 1000 रुपया और यहाँ हम 1500 रुपया बेचते हैं, 1575 7000 रुपया हमको मिलता है। थोड़ी शराब पीने में कोई बुराई नहीं है, ये बात जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से दोहराया है। साथ में कहा है हम सरकार का हिस्सा हैं, अब मगर सरकार जो बात कहती है वो हर बात हम मान जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। शराबबंदी पे जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने सवाल फिर से उठा दिए हैं, अब ऐसे में जेडीयू क्या कुछ कहती है वो देखना दिलचस्प होता है। और साथ में उन्होंने क्या कुछ तथ्य दिए हैं वो पूरा वीडियो सुनिए। हम सरकार के लीक से हट करके भी कुछ बात हम करते हैं और हमारी मानना ये रही है कि हम वो घर से आए हैं जहाँ शराब बनती थी, शराब बिकती थी, शराब पीते थे, लेकिन आज 78 वर्ष उम्र मेरा हो गया, अभी तक शराब अपने होठों पर हमने नहीं लाने का काम किया। तो कोई कानून तो नहीं था, अवेयरनेस हुआ, कुछ शिक्षक ऐसे मिले, तो मेन चीज़ है कि अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस भी मानती है इस बात को, और हम शुरू से कहते रहे हैं कि लिमिट अरसे में अगर शराब लिया जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बल्कि फायदेमंद होता है। अभी हाल में एक जनरल में निकला है, पेपर में भी निकला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने भी कहा है कि 2 पैक ले लेने से वो हेल्थ को सुधारता है, नेक बिगाड़ता है। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, हम उसके व्यसन में नहीं जाएँ, उसको दवा के रूप में अगर हम लें तो घाटा का सही नहीं है, लेकिन बदकिस्मती यही है अज्ञानतावश उसको लोग व्यसन के रूप में ले लेते हैं और उससे इतनी दिक्कत हो रही है कि शेड्यूल कास्ट में हमारे तबके के लोग 50-60 वर्ष जाते जाते उनका ये जीवन लीला समाप्त हो जाती है। पहले भी हमने कहा कि हम सरकार में हैं और हम सरकार के घटक दल में हैं, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि सरकार के हर बात को हम मान के ही चलें। हमारा फर्ज बनता है कि सरकार को हम कुछ अच्छी बात बतावें जिससे कि जनमानस को फायदा हो। ये अलग बात है कि सरकार में है, सरकार माने या ना माने, हम तो पहले बात शुरू से कहते आए हैं और आज भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार से आपकी नज़दीकियाँ भी, क्या इस संदर्भ में कोई कभी बात आपकी हुई है कि शराब थोड़ी पीने से नुकसानदायक? कई बार बातें हुई है, लेकिन वो उनका मानना दूसरा है। उनका मानना है कि भाई महात्मा गांधी जी यहाँ काम करते हैं, महात्मा गांधी जी इसके विरोध में थे, हम इसके विरोध में जरूर रहेंगे और जो हमारा बस चलेगा हम शराबबंदी को कानून को इम्प्लीमेंट करके ही रहेंगे। कर लीजिए आप शराबबंदी में युवा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, देखिए ये सब बात जो आप बोल रहे हैं ना, सब बात हम बातों से हम अवगत हैं कि जुआ नहीं युवतियाँ भी हैं, पटना जंक्शन पर पकड़ाई हैं और उन्होंने कहा है कि 5 बोतल हम लाते हैं 5 × 10 100 रुपया 1000 रुपया और यहाँ हम 1500 रुपये बेचते हैं, 1575 7000 रुपये हमको मिलता है। तो आप बोलिए कि एक सप्ताह में एक बार जाते हैं, हमको 7500 नहीं 6000 का बचत होती है, हम इसी से अपना मेंटेन करते हैं, हमारे गरीब पिताजी हैं लोग। तो कहने का मतलब कि इसमें तस्करी में सब तरह के लोग लगे हैं, यही खराब आस्पेक्ट जा रहा है कि इतना कुछ किया जा रहा है, 10-10 सुरसा बदन बढ़ावा, तार से दुगन का फिर रूप दिखावा, आज वही हो रहा है।
कहाँ रुका हुआ है, सब जगह तो कभी ट्रक से तो कभी सब्जी में तो कभी दूध में तो कभी दवा में तो कहीं कहाँ ऐसे करके सिलेंडर में किया जाता है। तो कहने का मतलब प्रयास किया जा रहा है, प्रयास ठीक है, प्रयास से ज़्यादा एक अवेयरनेस की जरूरत थी, अवेयरनेस की ओर सरकार ने ध्यान दी है, अवेयरनेस से सब काम होगा। माजी जी जिस प्रकार से अपनी योजना में सरकार